बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट्स, वहां देश भर के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है, वहीं कई जगहों पर तो ये बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। महाराष्ट्र और असम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और बिहार के कुछ जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। देश भर के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है, वहीं कई जगहों पर तो ये बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। महाराष्ट्र और असम में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बिहार के कुछ जिलों में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया और दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना है। पूरे देश में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली, हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए देश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया। बिल्कुल, देखिए जुलाई में तो अभी तक जो बारिश अच्छी मिली है, अगर इस वीक की बात करें तो हमारी एक्सेस में है करीब करीब जो 112% ज्यादा है हमारी, और पूरे मंथ की भी इसके लिए बात करें जो 10 डेज पे 11 डेज हमारे हो गए तो इसमें भी हमारा 86% जो है सामान्य से ज्यादा है, और ओवरऑल सीजन की करें जून और जुलाई की दोनों को जोड़ के भी तब भी हमारा नॉर्मल में है, करीब जो है 9% जो है अबाव नॉर्मल है। तो अभी तक ठीक है कि जो कमी पीछे की भी थी वो भी पूरी हुई है। और अब आज अगर 11 तारीख से बात करें तो 11 और 12 के लिए हमने बोला था कि थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आज सामान्य के आसपास जो है प्रदेश में वो वर्षा मिलनी चाहिए, हल्की मध्यम जहां तक है अनेक जगहों तक में अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, और जो फुटिल कहलाओं के डिस्ट्रिक्ट हमारे देहरादून टेहरी पौड़ी नैनीताल चंपावत इनमें जो है ज्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश आज मिलेगी। ऐसे में आने वाली 15 जुलाई तक देश भर के करीब सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं पहाड़ों पर आपद बनकर बरस रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। हैवी रेन भी एकादुका जगह में आप कह सकते हैं देहरादून है नैनीताल है चंपावत है इनमें संभावना है कि एकादुका जगह में हैवी रेन भी मिल जाए। कल जब आप जाते हैं तो थोड़ी सी और एक्टिविटी जो है बढ़ेगी, तो कल अगर मैं हैवी रेन्स की बात करूं तो हैवी से वेरी हैवी हमने जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट में रखी है, जिसमें कि जो है देहरादून हरिद्वार टेहरी पौड़ी है इधर है गढ़वाल रीजन के, और इसी तरह कुमाऊं रीजन में जो है जो आपका नैनीताल चंपावत या उधम सिंह नगर है, तो इनमें जो है 12 तारीख को हैवी या वेरी हैवी तक रेंज है वो मिलेगी कहीं कहीं पर। दिल्ली में 2 दिनों से कुछ इलाकों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, हालांकि कुछ देर की बारिश से उमस भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई को बादल छाए रहने का अनुमान जताया। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में आने वाले समय में रिमझिम बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की उम्मीद है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली में भी बारिश का अनुमान जताया है। उधर हिमाचल में मानसून कमजोर पड़ गया, राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है, जिसके तहत कांगड़ा और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में तापमान गिरेगा जबकि निचले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान यथावत बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि मानसून की तीव्रता कम हुई है, प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 16 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी पटना समेत प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना है, इसके कारण प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आने वाले समय में प्रदेश के ज्यादातर भागों में गर्जन के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। राज्य के 5 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण गोपालगंज किशनगंज शिवहर में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। सारण मुजफ्फरपुर सीतामणि दरभंगा पूर्णिया जिले में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के शेष जिलों के अलग अलग स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। बाढ़ बारिश वज्रपात से उत्तर प्रदेश का जीवन भी अस्त व्यस्त है। बुधवार को बाढ़ और बारिश से कुछ राहत तो मिली लेकिन वज्रपात व उमस ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में कहर ढाया। यहां वज्रपात से 47 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मैनपुरी में भी 5 लोगों की वज्रपात से मौत हुई, बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। प्रदेश में अकेले वज्रपात से कुल 52 लोगों की जान चली गई। वाराणसी आजमगढ़ मिर्जापुर मंडल के जिलों में दोपहर बाद हुई बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी लेकिन वज्रपात ने 11 लोगों की जान ले ली। 16 महिलाओं समेत 17 लोग झुलस गए, उन्हें इलाज के लिए विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। पिछले 3 दिनों से बादलों की घेराबंदी के बाद भी जमकर बारिश नहीं होने से प्रयागराज और प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भीषण उमस की चपेट में है। यहाँ वज्रपात से प्रतापगढ़ में 12 लोगों की मौत हो गई। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज़।